राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, सो आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो भी रिवोल्यूशन भरना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिवोल्यूशन का पोर्टल ओपन कर दिया गया है और डेट भी मेंशन कर दी गई है, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ही रिवोल्यूशन फॉर्म के में आओगे तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है आपके पास, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज है और उनकी लास्ट डेट मेंशन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लास्ट डेट है वो मई 4 मई है लास्ट डेट, उसके बाद 4, 5 या 1 मई आप देख सकते हो। यहाँ से जो कोर्सेज है 64 से ऊपर ऊपर के जो कोर्सेज हैं, मतलब 1 से लेकर 64 तक, और इसमें कुछ अप्रैल की भी डेट दी हुई है। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म अब फ्रेशली जो जिनके रिजल्ट आए हैं, मतलब कि जो बहुत लेट रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, तो वो अपना रेवोल्यूशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो बात करते हैं कौन कौन से कोर्स है। डिप्लोमा इन वोकेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेमेस्टर 2nd। सो आप देख सकते हो ऊपर सेशन लिखा है आपका, सेशन सितंबर दिसंबर में जो आपके एग्ज़ाम होंगे, और अपलोडिंग ऑफ डेट कब है, डिक्लेरेशन जो आपका रिजल्ट आया था, और लास्ट डेट क्या है विदाउट लेट फीस 4 मई है। अगर आप 300 अगर लेट फीस हो जाता है, 4 के भी बाद हो जाता है, तो 300 आपकी लेट फीस लगेगी। तो सबकी डेट देख सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 2nd, और इनकी जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस वो 4 है ऑलमोस्ट, और जो मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी इसकी भी जो लास्ट डेट है, पर यहाँ पे सेमेस्टर चेंज है, सेमेस्टर 3rd है, यहाँ पे लास्ट डेट है 4, और बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 2nd लास्ट डेट 3rd मई, बैचलर इन आर्किटेक्चर सेमेस्टर 10th 1 मई, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार आके थरली अपना रीड कर सकते हो, और जिसको रेवोल्यूशन भरना है वो यहाँ पे फिल कर सकता है रेवोल्यूशन। तो आपको कैसे करना है, अगर आपने पहले कभी ऑनलाइन रेवोल्यूशन नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन बेसिकली यहाँ पे पहले अपना करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो रेवोल्यूशन ब्रांच लॉगिन, अगर आपके पास है पिछला करा है तो यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हो, और रिवोल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो, आपने पिछला कोई रिवोल्यूशन भरा है उसका रिजल्ट आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप रिवोल्यूशन रिजल्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहले करना पड़ेगा अपना फॉर्म फिल करने के लिए। तो बेसिकली आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर मैंशन है, ये भी देख सकते हो आप। उसके बाद एक नोटिस जो है वायरल हो रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ये जो नोटिस है आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें बेसिकली कॉलेज की तरफ से बात की गई थी कि अगर कॉलेज वगैरह जो आपको पता है सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल जो 12वीं तक है वो 30 अप्रैल तक बंद है, और उसके बाद भी पता नहीं क्या डिसीज़न होगा सरकार का कि आगे भी 10-15 दिन का, जैसे लास्ट टाइम भी लॉकडाउन बंद होते गए थे स्कूल कॉलेजेस, इस बार भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो जो क्लासेस हैं और जो प्रैक्टिकल है वो अभी फ़िलहाल जो बात की जा रही है कि ऑनलाइन लगेंगे। द कमिटी डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव एंड इन्फेक्टेड COVID-19 केस एट अलार्मिंग रेट विद इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र आल्सो द रिवाइज इज अर्लियर डिसीजन टेकन इन द मीटिंग हेल्ड, जो पुरानी मीटिंग वाला ही है सिस्टम वाइड, विच 4 सेमेस्टर कॉरस्पॉन्डिंग सेमेस्टर स्टूडेंट आर अलाउड टू स्टडी थ्रू ऑफलाइन मोड। तो आपका जो ऑफलाइन मोड से ही डिसाइड किया जाएगा कि जो 16 अप्रैल से, देखो यहाँ पे डेट मेंशन है कि 16 अप्रैल से जो आपकी क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड में ही लगाई जाएगी। ऑल द क्लासेस 4 सेमेस्टर कॉरस्पॉन्डिंग सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर हैं विल बी हेल्ड ऑनलाइन। रिगार्डिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल एज अ गाइडलाइन विल बी इशूड सेपरेटली। तो एग्जामिनेशन जो है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो आपकी गाइडलाइन है वो अलग से जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो उसके बारे में द माइक्रो प्लानिंग है, और जो लाइब्रेरी है, हॉस्टल लाइब्रेरी फैकल्टी अवेलेबल, टीचर अवेलेबल, स्टाफ प्रोटोकॉल, तो पूरा जो आपके लिए टीचर्स, आपको पता है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अवेलेबल है आपके कॉलेज और स्कूल में। तो पिछले वाला मेंशन नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर कुछ पूछना है तो आप उसके लिए जा सकते हो कॉलेज वगैरह, वो सब खुला रहेगा। द माइक्रो प्लान शैल बी कोऑर्डिनेट बाय द कंसर्न डीन अलोंग विद द चेयरपर्सन डायरेक्टर। ऑल कोविड रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलो बाय द सच वियरिंग मास्क। तो ये सब फॉलो किया जाएगा, 2 यार्ड डिस्टेंस होना चाहिए, 2 गज की दूरी, और मास्क आपको पहनना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल है COVID-19 का वो अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा। तो इस बार आप ये मत समझिएगा कि जो आपकी क्लासेस है वो ऑनलाइन लग रही है कि आप परीक्षा भी ऑनलाइन
ही होगी, तो इस चक्कर में मत बैठे रहिएगा, अपनी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें जो अभी जो ईयरली एग्ज़ाम होने हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी कि किस मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और किस हिसाब से अप्रैल और जून की डेट दी गई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।